दिल्ली शहर, जिसने बहुत सी सल्तनतों का उरुजो जवाल देखा है, जहां बादशाहों के किले आबाद हुए और वीरान हो गए, जहां तहजीबें अपने कमाल पर पहुंची और फिर फना हो गए। हैरत अंगेज तजादात का शहर, जहां खंडरात शानदार शाहाना माजी की दास्तानें सुनाते हैं और असरे हासिर में हिंदुस्तान का दिल धड़कता है। हिंदुस्तान की विरासत के इस सफर में आपका खैर मकदम है। आइए पहले मुगलों से पहले की दिल्ली की सैर की जाए। हिंदू मुस्लिम और सिखों के लिए दिल्ली एक मुकद्दस मकाम है। कहा जाता है कि दिल्ली में इंसानों के आबाद होने से पहले देवताओं की हुकूमत थी। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हजार साल कबले मसीह में यहीं पुराने किले के इलाके में हुआ करती थी। आज महाभारत के दास्तानवी किरदारों पांडवों के 3000 साल पुराने घर इंद्रप्रस्थ के मुकाम पर हुमायूं बादशाह का बनाया हुआ पुराना किला मौजूद है। इस किले के खंडरात दिल्ली के तारीखी माजी की दास्तान सुनाते हैं। शुमाल की समत किले का दाखिली दरवाजा है, जो तलाकी दरवाजा कहलाता है। इसको ममनू दरवाजा भी कहते हैं, क्योंकि इस दरवाजे से बादशाह किसी बगावत को कुचलने के लिए गया था और उसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, इसीलिए इस दरवाजे को ममनू करार दे दिया गया था। इस किले के खंडरात एक छोटी पहाड़ी पर हैं। इस पहाड़ी के नीचे कभी जमुना बहा करती थी, आज यहां एक झील है। पुराने किले की फसील के नीचे पहाड़ी के दामन में बनी झील में पुरसुकून कश्ती की सैर का लुत्फ लिया जा सकता है। पुराने किले के रास्ते में एक दरगाह है, जिसके दरवाजे हर मजहब व मिल्लत के लोगों के लिए खुले हुए हैं। ये मटका शाह का मजार है। यहां कीकर के पेड़ों पर सजे सजाए मटके लटके हुए देखकर लोग हैरत जदा रह जाते हैं। ये मटके वो अकीदतमंद नजर करते हैं जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं। दरगाह के सहन में एक बुजुर्ग आंधी बारिश से बेनियाज पीर की मदाह के नगमे गाते रहते हैं। बाबा मटका शाह का असली नाम हजरत शेख अबू बकर तोसी रहमतुल्लाह अलैह था, जो 750 साल पहले ईरान से हिंदुस्तान आए थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो किसी लाइलाज मरज में मुब्तला था और खुदकुशी करने का इरादा कर चुका था। पीर साहब ने उसे एक मटके से पानी पिलाया और उसके लिए दुआ करने का वादा किया। उन्होंने उस शख्स को ताकीद की कि हर वक्त अल्लाह से दुआ करता रहे और इस मटके से पानी पीता रहे। आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स की बीमारी दूर होती गई और पीर साहब की करामाती ताकत की शोहरत दूर दूर तक फैलती गई। रफ्ता रफ्ता लोग दरगाह पर आकर शेख साहब से दुआएं लेने लगे और इस तरह इन्हें मटका शाह के नाम से याद किया जाने लगा। दुआएं कबूल होने के बाद पीर साहब की कब्र पर चादर चढ़ाने और मटके में चने और गुड़ भरकर नजर करने की रिवायत आज भी कायम है। 72.5 मीटर ऊंचा कुतुब मीनार, जो अपनी पेचीदा नक्काशी और अरबी खत्ताती की संतराशी से सजा, सदियों से दिल्ली की पहचान बना हुआ है। कुतुब मीनार पर कुरानी आयात की दिलकश संतराशी की गई है, जिसमें अल्लाह के 99 नाम भी शामिल हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मीनार मोहम्मद गौरी की दिल्ली पर फतेह की निशानी के तौर पर बनवाना शुरू किया था, जिसे अलतुतमिश ने मुकम्मल करवाया। कुतुब मीनार के पास ही अलतुतमिश का मकबरा है। ये हिंदुस्तान में
मुस्लिम हुक्मरान का कदीम तरीन मकबरा माना जाता है जो अब तक बाकी है। लाल बलवा पत्थर और संगमरमर से बना यह मकबरा हिंद इस्लामी तर्ज तामीर के बेहतरीन नमूनों में से एक है। मकबरे के बराबर में मदरसा अलाउद्दीन है जहां इस्लामी तालीम दी जाती थी। मदरसे से थोड़ी ही दूर मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है जिसके माने हैं इस्लाम की कुव्वत। कदीम हिंदू मंदिर के पहलू में बनाई गई इस मस्जिद में मस्जिद के तर्ज तामीर की सब रिवायती निशानियां मौजूद हैं। सहन, नमाज अदा करने का दालान, मरकजी ताक और मेहराब जिससे किबले का रुख पता चलता है, मगर सतून, रोशनदान और बेलों की नक्काशी में साफ तौर पर हिंदू फनकारी और तर्ज तामीर की झलक मिलती है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सहन में विष्णु देवता का आहनी सुतून नस्ब है। माना जाता है कि ये सुतून शिवजी के सांप के सर पर टिका है और जमीन को संभाले हुए है। जो इस सुतून को हटाएगा वो तबाह हो जाएगा। ये बात तो सच है कि सुतून के लोहे पर हजारों साल से जंग नहीं लगा। कुतुब मीनार से जुनूब मशरक की समत एक बुलंदो बाला दरवाजा है जो अलाई दरवाजा कहलाता है। ये मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का जुनूबी दरवाजा है। इस दरवाजे की तामीर खालिस इस्लामी फन तामीर के उसूलों पर की गई है। दरवाजे में बनी खिड़कियों पर लाल पत्थर के दरमियान संगे मरमर की सिलें लगाई गई हैं और ऊपर बनी छोटी छोटी मेहराबों पर आयात कुरानी और अहादीस नक्श की गई हैं। कुतुब मीनार के इलाके में एक और दिलचस्प मकाम अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ अलाई मीनार है। 24-25 मीटर ऊंचे इस मीनार की तामीर कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। कुतुब मीनार जाने वाली सड़क पर एक तारीखी मकाम हौस खास है जो शायद फिरोज शाह तुगलक का दिल्ली में सबसे असर अंगेज इजाफा है। हौस खास एक मदरसा है जो अपने अहद में इस्लामी तालीम का एक अहम मरकज था। इसके सुतूनों वाले कई दालान और दो मंजिला हुजरे अलाउद्दीन की तामीर की हुई अलाई हौस के मशरकी किनारे पर एक नीम दायरे की शक्ल में तामीर किए गए हैं। फिरोज शाह तुगलक की कब्र यही है और इसका मकबरा माजी की तारीख की एक अलामत है। हौस खास तरतीब व तनासुब का एक शाहकार है। पूरे माहौल में इलाकाई रिवायत की सदाकत झलकती है। हौस खास की तामीर करने वाले तुगलक बादशाहों के बाद दिल्ली पर सैयदों और लोधी बादशाहों ने हुकूमत की और बहुत सी तारीखी इमारतें तामीर की। लोधी बादशाहों ने इब्तदाई दौर में कोटला को अपना मरकजे हुकूमत बनाया था मगर बाद में आगरे को अपना दारुल सल्तनत बना लिया और दिल्ली एक बार फिर नजरअंदाज कर दी गई। लोधी गार्डन जहां बागात के दरमियान बहुत से आसार कदीमा मौजूद हैं जैसे पुरानी आयात की नक्काशी से सजी 12 गुंबदों वाली मस्जिद और सिकंदर लोधी का 8 पहलुओं वाला गैर मामूली मकबरा।
ये इमारतें लोदी तर्ज तामीर की शान शौकत की बेहतरीन मिसाल हैं। यहाँ लोग अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाने, शाम की सैर करके ताजा दम होने और अपने बच्चों के साथ खेलने आते हैं। ये बाग और इसकी सरसब्जी और शादाबी उन निशानियों में से एक है जो दिल्ली के शानदार माजी की अलामत हैं। दिल्ली में शाहजहां की बनाई हुई इमारतें सबसे ज्यादा हैं, जिनमें से एक लाल किला भी है, जो लंबे अरसे तक मुगलिया सल्तनत के इख्तदार का महवर रहा है और आज भी दिल्ली की एक अहम पहचान है। दीवाने आम, दीवाने खास और संगे मरमर से बने महलात और दिलकश बागात पर मुश्तमिल ये किला मुगलिया शान और शौकत की एक बावकार निशानी है। किले का ये आलीशान दाखिली दरवाजा लाहौरी गेट कहलाता है, क्योंकि इसका रुख लाहौर की तरफ है। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही छत्ता चौक का बाजार है। ये एक छतदार सड़क है जिसमें दिल्ली के बेहतरीन जौहरियों, कालीन बाशों और सुनारों की दुकानें हैं। इस मेहराबदार सड़क को मीना बाजार भी कहा जाता है। इस बाजार में किले की खवातीन खरीदारी किया करती थीं। आज भी ये बाजार चांदी के सामान, जेवरात और कीमती पत्थरों के अलावा सजावट के खूबसूरत सामान के लिए मशहूर है। छत्ता चौक से जरा आगे नौबत खाना है, जहां मौसिकार मुकर्ररा अवकात में नक्कारा बजाया करते थे और इस मुकाम से शाही फरमान सुनाए जाते थे। किले में एक दीवाने आम भी है, जहां शहंशाह रियाया की शिकायतें सुना करते थे। इस इमारत में बादशाह की शानदार नशिस्तगाह भी है। किले के हर हिस्से में पानी की छोटी छोटी नहरें, झरने और फव्वारे बने हुए हैं। वसी दीवान खाने और तालान हैं, जिनकी कुशादा छतों पर चांदनी रातों में सोया जाता था। मुमताज महल, रंग महल, खास महल और किले की दीगर इमारतों में शानदार आराइश की गई है। कहा जाता है कि दालानों में नफीसो दिलकश कालीन बिछते थे और दीवारों पर खूबसूरत आरायशी सामान आवेजन किया जाता था। छतों पर चीन के मखमल और रेशम की सजावट की जाती थी। किले में शाही हमाम तक अब आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। दीवाने आम के पीछे दीवाने खास है, जहां लाल जवाहर और मोतियों से सजा मशहूर तख्त ताऊस संगे मरमर के बने एक बुलंद चबूतरे पर रखा जाता था। अगर फिरदौस बर्रूए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर जन्नत जमीन पर कहीं है तो यही है, यही है, यही है। दीवाने खास में सुनहरे अल्फाज में लिखे इस शेर के दावे को साबित करने के लिए शाहजहां की तेरीना शानो शौकत का बहुत कम हिस्सा ही अब बाकी बचा है। लेकिन अब भी किसी पुरसुकून दिन में आप अगर किले में तन्हा खड़े हों तो आपको सन्नाटे की सरगोशियां जरूर सुनाई देंगी, क्योंकि ये बेसबब नहीं खाली मकान के सन्नाटे, मकान याद किया करते हैं मकीनों को।
इंद्रप्रस्थ से थोड़ी दूर अहदेवस्था से ताल्लुक रखने वाली बस्ती में रूहानियत का एक मरकज दरगाह हजरत निजामुद्दीन वाक़े है। दुनिया भर से अकीदतमंद यहां नजराना अकीदत पेश करने आते हैं। हिंदुस्तान के एक अजीम तरीन सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्ला अलैह, जो महबूब इलाही यानी अल्लाह के महबूब के नाम से भी याद किए जाते हैं, इनके मुरीदों में हजरत अमीर खुसरो भी शामिल थे, जिनका मजार भी अपने मुर्शिद के मजार के ही पास है। इंसानियत, मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी के पैगाम को आम करने वाली खुसरो की शायरी तहजीबों का संगम है और हिंदुस्तानी रिवायत का एक अटूट हिस्सा है। हिंदुस्तान का सुनहरी दौर मुगलिया सल्तनत से शुरू होकर मुगलों के जवाल पर खत्म हो गया। बाबर के बेटे हुमायूं ने आगरा से अपना दारुल सल्तनत दिल्ली मुंतकिल किया और इसका नाम दीपना रखा। हुमायूं की बेवा हाजी बेगम ने हुमायूं के इंतकाल के बाद ये दिलकश मकबरा तामीर करवाया। ईरानी मेमार मिर्जा गयास ने ईरानी तर्ज तामीर में इस मकबरे की तामीर की। आज इसका शुमार आलमी विरासत में किया जाता है। इस इमारत की एक अलग शान है। लाल पत्थर की बुलंद दीवारें, बुलंदो बाला मेहराबें और सिडौल दिलकश गुंबद और पुरसकून माहौल इस मकबरे की दिलकशी को एक इंफरादियत अदा करते हैं। हुमायूं के इंतकाल के बारे में अकबर नामे में बयान किया गया है कि इन बुलंद सीढ़ियों से उतरते हुए हुमायूं का पांव उनके चोगे में फंस गया और वो सर के बल नीचे गिरे और यही हादसा उनकी मौत का बाइस बना। इसी मकबरे में हुमायूं की कब्र के पास ही उसकी बीवी और दो बेटियों की कब्रें भी हैं, जो इन अफरादे खानदान की आपसी मोहब्बत की आयनादार हैं। नहरों और सरसब्ज बाग के वस्त में एक बुलंद चबूतरे पर तामीर ये मकबरा खालिस मुगलिया तर्ज तामीर की अलामत है। इसके नफीस तर्ज तामीर की बुनियाद पर कुछ लोगों का ख्याल है कि ताजमहल इसी इमारत से मुतासिर होकर बनाया गया था। दिल्ली का सातवां शहर शाहजहानाबाद, जिसे शाहजहां ने अपने नाम से मंसूब किया, पुराने अहद की दिलकशी की रूह है। चांदनी चौक के दूसरे सिरे पर लाल किले की तरफ रुख किए फतेहपुरी मस्जिद है, जिसकी तामीर शाहजहां की मलिका फतेहपुरी बेगम ने करवाई थी। मस्जिद की तामीर में संगमरमर का इस्तेमाल शाहजहानाबाद की तर्ज तामीर की खास पहचान और शाहजहां की नफासत पसंदी का आईनादार है। मेहराबों वाली राहदारियां इस अहद की तामीरात की एक खास निशानी है और फतेहपुरी मस्जिद में भी ये खसूसियत पाई जाती है। इस मस्जिद की तामीर को 350 साल हो चुके हैं, मगर इसमें बहुत ज्यादा तब्दीली नजर नहीं आती। पुराने जमाने की तरह आज भी मौलवी साहिबान बच्चों को इस्लामी तालीम दे रहे हैं। नाजुक मीनार, नफीस बेलों की नक्काशी वाले सुतून इस इमारत को नजाकत और नफासत का नमूना बना देते हैं।
आज की पुरानी दिल्ली और कदीम शाहजहानाबाद की सबसे शानदार इमारत जामा मस्जिद है। ये हिंदुस्तान में इस्लामी अहद की सबसे आलीशान मस्जिदों में शुमार की जाती है। दूर से देखें तो इस शानदार जामा मस्जिद का फने तामीर तारीख और मजहब की एक जिंदा अलामत मालूम होती है। मस्जिद के पास जाएं तो इसके अतराफ एक खास तमद्दुन दिखाई देगा। मस्जिद के नीचे तंग गलियों में मीना बाजार और मशहूर उर्दू बाजार हैं। जामा मस्जिद हजारों इंसानों का मरकज़े ज़ीस्त है। ख्वांचा लगाने वाले और छोटे मोटे दुकानदार, जरी का काम करने वाले, मोती महल के कारीगर, उर्दू बाजार के कुतुब फरोश और भी न जाने कितने लोग जामा मस्जिद के अतराफ रोजगार करते हैं। ये लोग दरअसल तारीख में जी रहे हैं। जाने अनजाने ये लोग यादगार हैं उस गुजरे अहद की, जिसका जिक्र दास्तान गोयों और दरबारी तारीख नवीसों ने किया है। ये मस्जिद जिसमें हर जुमे को 35,000 लोग नमाज अदा करते हैं, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबाद मस्जिद है। इस वसीओ अरीज मस्जिद की तामीर में 5,000 कारीगर लगे थे, तब जाकर 6 साल में ये मुकम्मल हुई थी। मस्जिद के 3 बड़े दरवाजे हैं, 4 बुर्ज, 2 मीनार और 3 दिलकश गुंबद हैं। लाल पत्थरों से बने मीनारों में संगमरमर की पट्टियां लगाई गई हैं। दरवाजों पर तांबे की नक्शीन चादरें लगाई गई हैं। मस्जिद के शुमाल मशरकी गोशे में बने एक हुजरे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात महफूज हैं।